सुनाओ, नेव बार ऐड करेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो नेव बार ऐड करने के लिए सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप में, और बूटस्ट्रैप में यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटेंट है यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पर कंटेंट में नहीं, कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर नेव मिल जाएंगे, ये नेव्स हैं एंड नेव बार। तो नेव बार पर क्लिक कीजिए तो जो बेसिक नेव बार्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये वाला जो नेव बार है मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, उसको मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड देन कॉपी करने के बाद हम इसको दिखाना चाहते हैं अपने इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है और यहाँ पे हम नेव बार ऐड करना चाहते हैं। तो इस नेव बार को मैं बॉडी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कमेंट ऐड कर देते हैं हमने यहाँ पर कहा नेव बार, एंड देन यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं हमने यहाँ पर कहा बॉडी, इस तरह से। नाउ नेव बार को यहाँ पर पेस्ट करूँगा मैं, तो ये हमारे पास नेव बार आ गया है। सेव करेंगे एप्लीकेशन को एंड देन एप्लीकेशन को रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक नेव बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नेव बार आ चुका है। नेव बार में आप देखिए ऊपर से पूरा ये मतलब उससे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर सकता हूँ। तो वीएस कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर जो डिव है मेरे पास, इसमें मैं मार्जिन ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा एम फॉर मार्जिन और एम टी मतलब टॉप से, ठीक है। तो टॉप से मैं मार्जिन सेट करना था, 1, 2, 3, 4, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी जिससे आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पर एम टी 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मार्जिन आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो ये मार्जिन यहाँ पर ऐड हो गया है इस तरह से। तो यहाँ पर नेव बार है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नेव बार जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड हमारा क्या है यहाँ पर, ई शॉप। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है ई शॉप, इस तरह से। ये हमारा होम है, होम को मैं चेंज कर देता हूँ स्टोर में, स्टोर। एंड देन ये कुछ लिंक्स आपको यहाँ पर दी गई है, तो लिंक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लिंक सारी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। सो ये जो ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसको हम इस साइड दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोफाइल वगैरह दिखा सकते हैं यूज़र की, तो मैं उसको अभी रहने देता हूँ, उसको नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उससे हमको। तो ये वाला जो लिंक है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करेंगे। एंड जो राइट हैंड साइड पे फॉर्म क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो उस फॉर्म को मैं क्रिएट अलग करके वहाँ पे लॉग इन लॉग आउट के बटन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक यूएल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो यूएल पहले से मतलब कि लिस्ट क्रिएट की हुई है, अनऑर्डर लिस्ट, उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, ये एम आर ऑटो है, तो ये वाली जो लाइन से मैं इसको यहाँ से रिमूव करके जो फॉर्म में ये जो क्लासेस अप्लाइड हैं एम वाई एंड एम वाई एल जी 0, इनको मैं यहाँ से कट करके इस पर अप्लाई करूँगा। इससे क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये वाला लिस्ट जो है शो होने लगेगा। एंड देन ये वाला फॉर्म हम यहाँ से रिमूव करेंगे, सेव करेंगे एप्लीकेशन को, रीलोड करेंगे। तो आप देखोगे ये साइड में यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको देखने लगा है, तो कुछ अभी प्रॉब्लम है इसमें, देख लेते हैं उसको। एंड यहाँ पर ये हमने क्रिएट किया नेव बार नेव, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है हमको, एम आर ऑटो, ये नेव बार नेव जो क्लास है ये हमको रिमूव नहीं करना है इनसे। यहाँ पर हमने कहा पेस्ट, सेव करेंगे एंड देन रीलोड करेंगे एप्लीकेशन को। सो ये प्रॉपर यहाँ पे देखने लगा, ठीक है। तो ये वाले जो ड्रॉप डाउन एंड डिसेबल है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जो फर्स्ट वाला है इससे। तो हम उसमें केवल स्टोर रखना चाहते हैं, ये सारा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव किया। एंड देन जो डिसेबल्ड लिंक था इसको भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया केवल स्टोर के लिए, और यहाँ से हमको स्टोर है इनको हमें चेंज करना है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको अभी हम वहीं पर रहने देते हैं, या मैं इसको नाम दे देता हूँ मैंने यहाँ पर कहा प्रोफाइल। और इस पर क्या क्या एक्शन सेट करना वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव करेंगे। एंड देन यहाँ पर ये जो स्टोर है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ लॉग आउट पे, तो मैंने इसको कहा लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट। एंड देन कॉपी करेंगे इसको, सो कॉपी किया। एंड देन यहाँ पर हमने कहा साइनअप, साइन अप मीन न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। एंड देन यहाँ पर हमने कहा लॉगिन, तो ये बटन्स हमको हाइड एंड शो करना है डायनेमिकली। तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो हम उसको लॉगिन बटन नहीं दिखाएंगे, साइन अप लॉग आउट बटन दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डायनेमिकली कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो देखेंगे। तो अभी हमने केवल नेव बार यहाँ पर अप्लाई किया, प्रोफाइल बटन है, प्रोफाइल को कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो बहुत सिंपल रखते हैं हम इसको। यहाँ से जो प्रोफाइल है मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, देखेंगे उसको बाद में। तो मैं एक प्रोफाइल भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव करेंगे। और यहाँ पर आप देखो ये एक्टिव यहाँ पर क्लास अप्लाइड है, इस एक्टिव क्लास को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। क्या होता है एक्टिव क्लास में कि अगर आपका हेडर कोई कलर्ड होता है, इसमें भी सिंपल है, अगर इसमें कोई कलर होता तो ये अलग ही हमको हाईलाइटेड रहता, ठीक है, ये हाईलाइटेड रहता, मतलब कि आप कौन से पेज पे हो वो उस तरह से आपको दिखाई देता, ठीक है। तो इस तरह से हमने नेव बार ऐड किया, लेकिन इस इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में एक नेव बार ऐड किया हुआ है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में नेव बार ऐड किया। मैं इस कोड को फॉर्मेट कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ प्रेस करेंगे तो कोड यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड
यहाँ पर देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने डायरेक्ट नेव बार क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो नेव बार क्या है, नेव बार हर एक पेज में दिखाई देता है, ये तो आपको पता है। तो नेव बार अगर हर एक पेज में दिखाई देता है तो क्या मैं ये नेव बार को कॉपी करके ऑर्डर्स पेज में भी लिखूंगा, फिर यही नेव बार मैं कॉपी करके कार्ट पेज में भी लिखूंगा, फिर यही नेव बार मैं कॉपी करके किसी और पेज में लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी बढ़ रही है, हम एक ही कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से हमको जो लॉजिक है लॉग इन करने का, प्रोफाइल करने का, ये सारी चीज़ें हमको बार बार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर एक और हम चीज़ यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट है कि हम इसको एक अलग फाइल में सेपरेट करेंगे, हेडर को, फूटर को एक अलग फाइल में रखेंगे, और जो हमारा बेच का जो ये कंटेंट होता है इसको हम अलग फाइल में करेंगे। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम हेडर केवल एक ही बार बनाएंगे और उसको बार बार हर एक पेज में यूज़ करेंगे, ठीक है।